दूजी बार विधायक ने गे और मेरे नाल सज्जे पासे सरदार गुरमीत सिंह मीत हेयर कैबिनेट मंत्री पंजाब और कैंडीडेट आम आदमी पार्टी संगरूर पार्लीमेंट लोक सभा तो और मेरे खब्बे पासे बहुत ही सूझवान बहुत ही अगांहवधू बहुत ही दूरअंदेशी हलका हुशियारपुर तो अपने आप नूं जिहड़ा हैगा अज अपोजिशन पार्टी दे डिप्टी लीडर भी ने लीडर ऑफ द अपोजिशन दे नाल डिप्टी लीडर विधानसभा अपोजिशन का डिप्टी लीडर ने गे सो अज बहुत माण ते खुशी वाला देना अज इतिहासक देना कि अज इन्हां ने कांग्रेस पार्टी दियां गलत नीतियां नूं छड्ड के माड़ियां नीतियां नूं छड्ड के अज आम आदमी पार्टी दियां अगांहवधू नीतियां पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाउण दियां नीतियां पंजाब दे अंदर अच्छा एजुकेशन दा मॉडल लैके आउण दियां नीतियां पंजाब दे अंदर अच्छा सेहत मॉडल स्थापित करन दियां नीतियां पंजाब दे अंदर रोज़गार देण दे जो सरदार भगवंत सिंह मान जी दे टीचा गा कि पंजाब दे अंदर पंजाब दे नौजवान दा दुबारा खुसिया होया जिहड़ा विश्वास खो गया सीगा उहनूं बहाल करन दा जो उहनां दा टीचा गा जिहदे तहत मैं समझदा 42,000 नौकरियां 42,000 तो ज़्यादा नौकरियां पंजाब दित्तियां गईआं नेगीआं पंजाब दे अंदर वड्डे पद्धर ते रोज़गार दा आउणा पंजाब दे अंदर माफिया राज दा खात्मा जिहड़ा कि माफिया राज अकाली दल बीजेपी ने पंजाब च एस्टैबलिश कीता सी जिहड़ा गैंगस्टरवाद अकाली दल बीजेपी ने पंजाब च पैदा कीता सी जिहनूं अगे वधाया सी कांग्रेस पार्टी ने अगे लैके गए सीगे उहनूं खत्म करना यह सारियां नीतियां तो प्रभावित होकर अज डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल जी आम आदमी पार्टी शामिल हो रहे नेगे सो मैं पार्टी वालों सरदार भगवंत सिंह मान जी मानयोग मुख्यमंत्री प्रधान आम आदमी पार्टी पंजाब साडे पार्टी दे पंजाब दे कार्यकारी प्रधान प्रिंसीपल बुद्ध राम जी अते साडी पार्टी दे नैशनल प्रेजिडेंट नैशनल कन्वीनर दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दे वल्लों इन्हां दा बहुत बहुत स्वागत करदा वैलकम करदा मैं समझदा अज आम आदमी पार्टी दा परिवार लगातार अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई दे विच और पंजाब च सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई दे विच लगातार बद रहा गा थोड़े दिन पहला बहुत सारे साथी वख-वख पार्टियां नूं छड्ड के आम आदमी पार्टी दी नीतियां तों प्रभावित होकर साडे शामिल होए सीगे अज डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल जी का आम आदमी पार्टी चाउण दा आउण तों पता लगदा गा कि पंजाब दे अंदर आम आदमी पार्टी देश दे अंदर आम आदमी पार्टी किन्ने ग्राउंड लैवल ते मजबूत आ मैनूं दस रहे सीगे कि इन्हां ने अपने बहुत सारे साथियों दे नाल बहुत सारे पुराने जिहड़े इन्हां दे संगी साथी सीगे उन्हां दे नाल मीटिंग कॉल कीती और सारे साथियों ने कहा कि अज पंजाब दे अंदर जेकर कोई पंजाब दे अंदर अच्छी नीत वाली पार्टी आ जेकर कोई पंजाब नूं अगे लैके जाण वाली पार्टी आ जेकर कोई अज पंजाब दे अंदर अच्छी सरकार चला रहे ने तां उह सरकार आम आदमी पार्टी दी आ उह सरकार सरदार भगवंत सिंह मान जी दी आ और इस गल तों मैं समझदा प्रभावित हो के इहनां दा सारा केडर क्योंकि अज इकल्ले आए नेगे सारा काडर इन्हां दा जिहड़ा हुशियारपुर लोक सभा तों आ जां हलका चब्बेवाल तों आ जां पूरे पंजाब दे अंदर जिथे भी इन्हां दे संगी साथी दोस्त सारे बैठे नेगे अज उह सारे जिहड़े नेगे आम आदमी पार्टी शामिल हो रहे नेगे सो मैं एक बार फिर डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल जी दा इन्हां दे सारे साथियों दा बहुत बहुत स्वागत करदा गा और मैं विश्वास दवाउणा इन्हां नूं बिल्कुल ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी साडे पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी वल्लों साडे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी वल्लों साडे सारे समुचे साथियों वल्लों कि बिल्कुल इन्हां दा पार्टी दे अंदर मान सन्मान इन्हां दे सारे दोस्तां मित्रां दा और इन्हां दे सारे कार्यकर्ता दा इन्हां दे सारे केडर दा मान सन्मान जिहड़ा बहाल होगा उस तरह कायम रहेगा
और बिल्कुल इन्हों असी बहुत मैं समझना वो समझते कि अच्छे लीडर ने साडे जिहड़े कि पहला भी दो बार चुने गए ने और बड़े अच्छे तरीके दे नाल बड़े बेबाकी दे नाल पंजाब विधानसभा च क्योंकि मेरे नाल पिछले साल भी सीगे पिछली टर्म दे विच भी सीगे इस बार भी नेगे बड़े बेबाकी दे नाल पंजाब ते मामलियां दे गल भी करदे नेगे सो इहनूं विश्वास दिवाउंदे इहनां नूं कि इहनां दा बिल्कुल असीं मान सम्मान कायम रखांगे और मैं हुण सरदार गुरमीत सिंह मीत हेयर जी नूं बेनती करूँगा कि ओह तुहाडे नाल मुखातब होण। धन्यवाद जी। चीमा साहब ने साडे जिहड़े वड्डे भरा राजकुमार चब्बेवाल जी जिन्हां दा चीमा साहब ने भी जिक्र किया कि पिछले पांच साल असी इकट्ठे सारे विधानसभा दे जिहड़े मैंबर रहे ते मैं इन्ना क चब्बेवाल साहब बारे जरूर कहूँगा कि हमेशा भावें सरकार च सी ते भावें हुण पिछले दो साल च ओपोजिशन च हमेशा तत्थां दे आधार ते लॉजिकल जिहड़ी है वह गल करदे आ ते अपने हल्के दे विच आधार रखण वाले जिहड़े लीडर ने ते लोक सभा दी इलैक्शन भी लड़े आ सो इन्हां दे आउण नाल कल्ला चब्बेवाल नहीं कल्ला हुशियारपुर नहीं पूरे दुआबे ते पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी नूं बहुत वड्डा जिहड़ा बल है वह मिलेगा। भगवंत मान जी दी जिहड़ी टीम है वह पंजाब दे विच होर मजबूत होगी। पिछले दिन भी जी पी जी जिहड़े साबका एम एल ए ने बसी पठाणा तो ज्वाइन होए उन्हां दे आउण नाल भी पार्टी नूं ताकत मिली। अज राजकुमार चब्बेवाल जी आए ने ते आई आने वाले दिनों च होर भी बहुत जिहड़े लोग ने जिहड़े आम आदमी पार्टी दीयां नीतियां नूं पसंद करदे आ जिन्हां नूं लगदा है कि आम आदमी पार्टी ने दो सालां दे विच डिलीवर कीता वो सारे पंजाब नूं प्यार करन वाले पसंद करन वाले आम आदमी पार्टी दीयां नीतियां नूं आम आदमी पार्टी दे विच जिहड़ा शामिल है वह हो रहे हैं क्योंकि जे सारिया पिछलियां सरकारां दा एनालिसिस करना होवे भावें अकाली दल रहा दस साल भावें दो साल का कंपैरिजन करना होवे तां कोई सरकार आम आदमी पार्टी दे कम्मां दे नेड़े तेड़े भी नहीं टिकदी। पिछले दिन ही बाजवा साहब ने डिमांड की सी कि जी 42,000 नौकरी की सानू डिटेल दिओ जिहड़ी सरकार ने दो साल दित्ती है। मैं उदों चीमा साहब नूं भी कहा सी ते अज मैं फिर चीमा साहब नूं तुहाडे सामने ये याद करवा देना भी डिटेल जरूर देनी है उहदे नाल नाल डिटेल पिछलियां चार सरकारां दी भी पहले दो साल दी देनी है कि उन्हां ने दो साल च किन्नियां नौकरियां दित्तियां। मैं ये गल 100% दावे नाल कह सकदा कि अद्धियां नौकरियां भी पहले दो साल दित्तियां अद्धियां की सारियां सरकारां च जे 17 च वोटां ने तां 16 च नौकरियां कढ़दे आ जे 22 च वोटां ने तां 21 च नौकरियां कढ़दे आ जे 12 च वोटां ने तां 11 च नौकरियां कढ़दे आ। तुसी सारे मुलाजम भावें टीचर आ पिछे पुलिस मुलाजम खड़े उन्हां तों पुछो सारिआं दी भर्ती जां 11 दी आ जां 16 दी आ जां 21 दी आ इदां जिहड़ियां भर्तियां हुंदियां रहियां। कच्चे मुलाजम पक्के करन वाला बिल लै के आंदा अकाली दल ने 16 च लिआंदा जदों कोड लगन तों 10 दिन पहलां। चन्नी साहब ने बोर्ड लवाते वड्डे वड्डे 21 च लिआंदा जदों कोड लगन वाला सीगा 22 च इलैक्शन सी ते उह पता ही सी वी कोटां दे विचों स्टे होणे सी सिरे चढ़ने नहीं लै के ही इस करके आंदे सी। सो जिहड़ी सरकार दी नीति हुंदी आ कम करन दी उह चोणां नहीं डीकदी। असीं जे कच्चे टीचर पक्के कीते तां आउण सार मुख मंत्री साहब ने कमेटी बनाई ते अज्ज उह टीचर पक्के हो के अपने स्कूलां 'च बच्चों नूं पढ़ा रहे आ। जे नौकरियां देनियां सी तां पहले महीने तों शुरू करतीआं तां ही उह अज्ज 42,000 खाली पईआं असामियां ने जिहड़ियां सूबा सरकार ने भरियां ने। सो इस करके इन्हां गल्लां नूं देखते ही हाँ जिहड़े लोगों ने विरोध करना हुण जिहड़े कोई ओपोजिशन जिन्हां ने साडे विरुद्ध जाके इलैक्शन लड़नी अकाली दल कांग्रेस भाजपा हुण उह तां इह कह नहीं सकदे वी भाई आम आदमी पार्टी बहुत वधिया काम कर रही है। हाँ पर जिहड़े पंजाब दे आम लोग ने जिहड़ा आम वोटर है वह चाहे अकाली दल का वर्कर आ चाहे कांग्रेस का उन्होंने घरों भी 600 यूनिट बिजली मुफ्त हो रही है उन्होंने बच्चे भी सरकारी नौकरियों से लग रहे हैं। सो इन सारिया गलों का अज पंजाब के अंदर प्रभाव है उन्होंने देख के ही अज लोग आम आदमी पार्टी आ रहे हैं। सो चब्बेवाल साहब भी आम आदमी पार्टी दिया नीतियां तो प्रभावित होकर पार्टी शामिल होया भगवंत मान जी ने उन्होंने स्वागत किया शामिल किया तो असी जिथे उन्होंने आते स्वागत करते हैं उन्होंने बहुत वधाई दिने उन्होंने परिवार को उन्होंने समर्थकों को। चीमा साहब ने भी कहा कि सारिआं दा मान सम्मान पार्टी के अंदर पूरी तरह जिहड़ा वो रख्या जाऊगा। हुण मैं
डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल जी ने बेनती करूंगा कि वो चंद शब्द थोड़े नाल साझे करन। ठीक गल तो जेड़े वह तारा ना निकल जान थोड़िया भाई तुसी कहोगे चलो शुड स्टार्ट जी। बहुत ही सत्कारयोग चीमा साहब वित्त मंत्री पंजाब, मेरे बहुत ही सत्कारयोग छोटे वीर मीथियर जी कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब, ते मेरे साथी बिलासपुर साहब, मैं चीमा साहब का ते मीथियर साहब का बहुत धन्यवादी हाँ कि उन्होंने मेरे बारे जो अपने विचार रखे, मैं उन्हों का दिल दिया गहराइया तो धन्यवाद कर दूँ। मैं अपनी जो स्टोरी है या कहानी है मैं इतों शुरू करनी चाहता कि मैं गरीबी अत की देखी है। मेरे फादर साहब बैंक चपड़ासी सी पीएन सी और उन्हों का सपना सी कि मैं अपने बच्चों पढ़ा के कामयाब करा और एक शिक्षित समाज की उहदे विच हिस्सा पावां रचना करा। सो मैं सब तो पहला तो अपने पिता जी का जो अज इस दुनिया च नहीं है जिन्हां दी सोच बहुत वड्डी सी मैं उन्हां दा धन्नवाद करदा, अपने परिवार दा धन्नवाद करदा। ते मैनू डॉक्टर बनाया, डॉक्टर बनन तो बाद जदों मैं राजनीति च आणदा मेरा इक्को ही मकसद सी कि गरीबां दा विकास, गरीबी नूं दूर करना, समाज नूं शिक्षित करना, पढ़ाउणा, ये मेरा इक्को एक मिशन रहा। मैं कांग्रेस च आया और करीब करीब मैं 12 साल कांग्रेस पार्टी च रहा और पिछली सरकार च होंदे हुए भी दास ने रिकॉर्ड तोड़ काम किए। और मैं इन्ना जरूर कहना चाहता चीमा साहब कि साढ़े हल्के दे विच चब्बेवाल दे विच कांग्रेस जदों मैं 17 जितया तो 45 साल बाद उत्थे कांग्रेस जीती सी और उस तो बाद लगातार तुसी जिस तरह तुहानू सब नू पता है कि आम आदमी पार्टी की एक नेरी सी एक तूफान सी उदों भी हुशियारपुर दे विच कल्ली जिहड़ी सीट है वह दास ने लोगों ने प्यार दिता अपना भरोसा जताया। तो मेरा इक्को ही सोच रही है, मैं बहुत धन्यवाद करदा सरदार भगवंत सिंह मान जी का, प्रेजिडेंट आम आदमी पार्टी पंजाब, साडे सीएम साहब और श्री अरविंद केजरीवाल जी कन्वीनर आम आदमी पार्टी, नैशनल कन्वीनर आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री दिल्ली। मैं उन्हों का धन्यवाद करदा कि उन्होंने अज मैनू अपनी पार्टी के शामिल करवाया और शामिल होने का बहुत बड़ा कारण है कि अज ये पार्टी जिहड़ी है भारत रत्न बाबा साहब भीम राव अंबेडकर जी ते शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी उन्हां दी सोच ते अज ये पार्टी जिहड़ी अज ये सरकार है वो पहरा दे रही है। खास तौर पर भारत रत्न बाबा साहब भीम राव अंबेडकर उन्हां दी सोच पढ़ो जुड़ो ते संघर्ष करो और अज जो एजुकेशन सर्विसेज ने जो अज स्कूल एजुकेशन है अज साड़ी इस सरकार का जो मेन एजेंडा है वो पढ़ाई है जो कि बाबा साहब भीम राव अंबेडकर जी के सपनों नू बहुत मेल खाती है। और उस तो भी उपर मैं समझदा कि साडे हर सिटीजन लई हर देशवासी लई हर पंजाबी लई जिहड़ियां सेहत सेवावां है वो बहुत जरूरी है और जिस तरह अज पूरे पंजाब दे विच मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब मान साहब वल्लों आम आदमी क्लीनिक जां सेहत सेवावां बेहतर करन दे लई उपराले कीते जा रहे हैं, मैं उन्हां दी इस सोच तो प्रभावित हाँ। और दूसरा सब तो वड्डी गल कि
बिजली फ्री पहला भी 200 यूनिट मिलती सी, पर ये जो बड़ी सोच है कि 600 यूनिट 300 यूनिट हर महीने, और उस तो भी बड़ी गल हर गरीब नू, पहला सरकारां दी पॉलिसी च हमेशा शामिल हुंदा सी जां एससी जां बीसी परिवार, पर इस बार जो सरकार दी जो विजन है कि हर परिवार जिहड़ा भी डिजर्विंग है 600 यूनिट तो घट लगभग 90% परिवारां नू जो फ्री बिजली दित्ती है, मैं समझदा कि ये बहुत वड्डी सोच है। और उस तो भी अगे जाके अज साडे नौजवान बेरोज़गार ने, जबकि सरकारां चीमा साहब ने मीतहेर जी ने ठीक दस्या कि जदों इंप्लॉयमेंट की गल आती तो अखीरले सालां च वो गल आती है, और अज महज 2 साल दे विच 40,000 तो ज़्यादा नौकरियां देना मैं समझदा कि काबिले तारीफ है। और विमेन इंपावरमेंट ते गल करना, महिलावां दे हक्कां दे लई गल करना, सो सारे सरकार दे जो मिशन जो सपने है सरकार उन्हां ते दिन रात काम कर रही है। और मैं एक होर चीज़ तो चीमा साहब जो प्रभावित होया, मैं मान साहब नूं मिलिया और उन्होंने बेनती की कि सर साढ़े हुशियारपुर दे विच बहुत सारे कच्चे घर ने, कच्चियां छत्तां ने, डिगण वालियां ने, तो उत्थे करीब उन्होंने करीब करीब 5 करोड़ रुपया जिहड़ी जरूरत है पहला मिलिया मैं, तो मानयोग वित्त मंत्री पंजाब उन्होंने भी धन्यवाद करदा कि उन्होंने विदाउट एनी डिले वो फंड जारी भी किए क्योंकि पहला सैंक्शन सी। सो मैं समझदा कि गरीबों के लिए एड्डी वड्डी सोच जिहड़ी है उस तो मैं अति प्रभावित हाँ। तो मैं चीमा साहब नूं ये भी बेनती करनी चाहना, मुख्यमंत्री साहब ने भी बेनती की है कि मेरा सपना कोई भी घर कोई भी छत किसी गरीब के घर की छत कच्ची ना रहे, हर छत नू पक्की देखना, ये मेरा चीमा साहब सपना है। और बाकी पार्टी के सिपाही के तौर पर समर्पित सिपाही के तौर पर मैं काम करता रहांगा, तो अखीर दे विच मैं फिर यह भी जरूर कहना चाहता कि होर भी जिन्ने साडे हल्के दीआं समस्यावां वी सी चीमा साहब, वो भी मैं मुख्यमंत्री साहब नाल गल कीती कि कुछ 5-6 दे करीब 18 फुट सड़कां चौड़ियां होण वालियां जां पिंडां दे विच बहुत सारे काम होण वाले है, वह भी मुख्यमंत्री साहब ने, मैं वित्त मंत्री साहब नूं बेनती करदा, वह भी उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम, साडा काम है मेहनत करना, तुसीं जो भी समस्यावां हल्के दीआं लोक सभा हल्के दीआं विधानसभा हल्कियां दीआं जो भी समस्यावां तुसीं दसोगे असीं उन्हां दे प्रति अपना दिन रात पहरा देवांगे। सो मैं ज़्यादा समां ना लैंदा होया सारे मीडिया दा दिल दीआं गहराइयां तो धन्नवाद करदा, थैंक यू। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਆ ਲਿਆ? ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਇਹ ਪੰਡ ਹੌਲੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੋਰਮ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਨੋ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ 58 ਪੋਸਟਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ 58 ਪੋਸਟਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ AG ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਕਿੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਮ ਦੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਈ ਐਮ ਥੈਂਕਫੁੱਲ ਟੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਡਾਕਟਰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਲਾਲਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਚਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਚਾਹੇਗੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ, ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਫੀਸਰ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਦੋ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸੁਰਜੀਤਪੁਰੇ ਕੋਠੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੀਆਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ MLA ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇ ਹਮਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੇ ਹਮਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਨਕੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਆਜ ਗੁਜਰਾਤ ਮੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਵਹਾਂ ਵਹਾਂ ਹਮਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੂੰ ਆਜ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਆਜ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਹਰ ਵਰਗ BJP ਕੋ ਸੱਤਾ ਸੇ ਭਗਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ BJP ਮੁਕਤ ਹੋਗਾ ਔਰ BJP ਕਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾ ਅੰਤ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ